दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आज हमारे पास मौजूद है दो गाड़ी जो कि बजाज की पल्सर ही है, और एक वो है कि जिसका बजट कम है, और एक दूसरी है कि जिसका बजट अच्छा है, पावरफुल गाड़ी चाहिए उनके लिए, और एक बजट ये भी है कि जिनके पास पैसा कम है और अच्छी गाड़ी चाहिए तो उनके लिए भी ये वीडियो है। तो दोनों लोग सभी लोगों के लिए वीडियो है, आप पूरा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इसलिए इसमें सभी के काम की वीडियो है भाई, चाहे वो कम पैसे वाला हो चाहे ज़्यादा पैसे वाला। तो दोनों वीडियो में कंपेयर करने वाले हैं कि पल्सर 125 वर्सेस पल्सर 150, और ये गाड़ी है शिवम बजाज कालियावाड़ी गिरि रोड नवसारी गुजरात में। बाकी कहीं से भी आप इस गाड़ी को खरीद सकते हैं, कहीं से भी आप वीडियो देख रहे हैं नज़दीकी शोरूम पर विजिट करके आप इस गाड़ी को ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इस बाइक के लुक की। हाँ, लुक वाइज अगर आप देख रहे होंगे तो दोनों गाड़ियाँ बिल्कुल सेम टू सेम दिख रही होगी आपको, लेकिन मैं बताने वाला हूँ सबसे बड़ा फ़र्क इन दोनों गाड़ियों का, अभी यही से आपको फ़र्क लग जाएगा। सबसे पहले आप ऊपर देखो हेडलाइट, हेडलाइट कैसा लग रहा है, सेम लग रहा है, इंडिकेटर सेम लग रहा है, यहाँ से आप पास से देख लो सेम लग रहा है ना। चलिए सबसे बड़ा फ़र्क यहाँ पर आप देखो, इसका मडगार्ड देखो, पहले आप ये रहा इसका मडगार्ड देखो ध्यान से, और यहाँ पर देखो फ़र्क है नहीं दिखा, देखो अब यहाँ पर ये देखिए, आप पहले ये है 150 पल्सर का, देखो मडगार्ड यहाँ से, अब ये है 125 का, इसका मडगार्ड देखो, ये सादा है, यहाँ पर देखो चढ़ा नहीं है ना इसके सस्पेंशन पे साकर पे, और ये चढ़ा हुआ है। अब यहाँ पर वीडियो में आप दूर से देखोगे तो अब आपको आइडिया लग जाएगा, ये देखिए, देखो ये सादा दिख रहा है, यहाँ पर देखो ये पूरा चढ़ा हुआ है, इसका चौड़ा लंबा चौड़ा है, इसका पतला है, ये फ़र्क है सबसे बड़ा इस गाड़ी का 150 का। दूसरा फ़र्क यहाँ पर आपको मिलेगा सस्पेंसन का, देखो इसका साकर 125 का सादा साकर है, इसका बड़ा साकर है, ये देखिए आप यहाँ पर लुक भी देख सकते हैं, इसका बड़ा साकर आपको मिलेगा, ये देखिए। इसके अंदर सिंगल चेन एलिबेल 280 mm का डिस्क ब्रेक भी फ्रंट पे आपको मिल जा रहा है, और इसमें आपका 260 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है, बल्कि 240 mm ही समझ लो कि है, पतला है इसका, देख सकते हो आप, ठीक है। और उसमें आपको ABS मिलेगा, इसमें ABS नहीं रहेगा, छोटा डिस्क भी रहेगा। टायर की बात करें तो इसमें आपको सीएट का टायर है 8017 का ट्यूबलेस टायर रेपिंग के साथ, इसमें आपको मिलता है 9017 का ट्यूबलेस टायर, ये देखिए इसका 150 cc का लंबा चौड़ा टायर मिलेगा, और डिस्क ब्रेक भी और सस्पेंशन भी, ये फ़र्क आपको रहेगा। अब चलो हेडलाइट की बात करते हैं, सबसे पहले आप इसका सीन देख सकते हैं, और लाइट भी मैं आपको जला के भी दिखाऊंगा दोनों गाड़ियों का। ये गाड़ी स्टार्ट है और ये गाड़ी स्टार्ट है, आप दोनों की लाइट भी देख लो कि हाँ कोई तेज़ है कि कोई धीम है। हाँ, लाइट की बात करें तो दोनों में लाइट की क्वालिटी बिल्कुल बेहतर मिलेगी, बराबर मिलेगी। इसमें भी 12 वोल्ट का लाइट है 35 वाट, यहाँ पर पायलट लाइट इस तरह से मिलेगी, और इसमें भी बिल्कुल एकदम सेम टू सेम मिलेगा, ये देखिए, ठीक है। तो इससे आपको कोई ज़्यादा फर्क नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर विंड ग्लास आपको 4 नट पे ये भी टाइट है, और 4 नट पे ये भी टाइट है, ये देखो आप, और बजाज का लोगो, और साइड का जो प्रोफाइल है, और इसका जो ये है इंडिकेटर, ये बराबर रहेगा यहाँ पर, लेकिन ग्राफिक्स में फ़र्क है, इसका कार्बन एडिशन इस तरह से रहेगा ग्राफिक, और यहाँ पर ये जो चीज़ देख रहे हो आप, इसमें ऐसा दिया गया है, और इसमें आप देखेंगे तो इसमें भी बिल्कुल सेम टू सेम पोजीशन मिलेगा, बस थोड़ा सा इसमें कम है, और यहाँ पर आपको नया ग्राफिक मिलेगा 125 में, बिल्कुल नया ग्राफिक, फ्लेक्सिबल इंडिकेटर है, टूटने वाला नहीं, यहाँ पर भी एकदम सेम है, ये देखो आप, ये जो ग्राफिक्स है बिल्कुल नया ग्राफिक्स है, कलर भी एकदम मस्त लग रहा है इसका, ज़बरदस्त कलर लग रहा है, ये देखिए 125 में डिस्क ब्रेक यहाँ पर गार्ड दिया गया है, सबसे खास चीज़ है बार एंड इसमें भी मिलेगा, इंजन के स्विच मिलेगा, मिरर भी देख लीजिए, और इसमें ये नहीं मिलेगा, देख लो सादा है, यहाँ पर भी आपको बार एंड इंजन के स्विच बाकी सब सेम मिलेगा, और इस साइड पर देख सकते हैं यहाँ पर पासिंग हाइलो बीम बार एंड, ये आप देख लीजिए ध्यान से, 125 में और 150 में बिल्कुल सेम मिलेगा, यहाँ कोई समझौता नहीं किया गया है। अब बात करते हैं इसके लेग गार्ड और हॉर्न की, इसमें आपको डबल हॉर्न दिया गया है और लेग गार्ड आपको मिल रहा है, इंजन गार्ड भी मिल जा रहा है। इस गाड़ी में आपको देखिए सिंगल हॉर्न दिया उधर नहीं है, और ये लेग गार्ड आपको मिलेगा, लेकिन इंजन गार्ड नहीं दिया गया है, चाहे तो आप लगवा सकते हैं, लेकिन एक ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। अब इधर देखिए इसका गियर लीवर, इतना बड़ा गियर लीवर मिलता है, ठीक है, बड़ा वाला, और इसमें आपको गियर लीवर मिलता है छोटा वाला, ये देखिए मिनी गियर लीवर दिया गया, ठीक। अब चलिए यहाँ पर हम देखते हैं इसके फ्यूल टैंक्स को, तो 125 जो है वो थोड़ा सा आपको स्टाइलिश लुक में देखेगी, क्योंकि इसके जो ग्राफिक्स हैं स्टिकर, ये थोड़ा नंबर एक का लग रहा है, इसका ग्राफिक्स आपको इस तरह से मिलेगा, ये देखिए जैसे 150 cc है वैसे इसका ग्राफिक भी है, इसमें आपको ग्रे कलर का मिलेगा स्टिकर, देखो आप देख लो ध्यान से ये, और इसमें आएगा 15 लीटर का पेट्रोल, टैंक पैड इसमें भी दिया गया है,
और टैंक पैड यहाँ पर भी दिया गया है और E20 फ्यूल यहाँ पर भी पड़ेगा। पल्सर का इसमें क्रोम वाला बैजिंग मिलेगा और नया स्टिकर, नया ग्राफिक्स है लेकिन इस गाड़ी के अंदर। और इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो दी गई है वो है 11.5 लीटर का, इसके अंदर 11.5 लीटर, इसके अंदर 15 लीटर आएगा। अब देखो ज़रूरत की चीज़ है कि इंजन किल स्विच इसमें है, सेल्फ स्टार्ट भी है, और इसमें भी आपको इंजन किल स्विच और सेल्फ स्टार्ट भी है। अब इग्निशन आप दे सकते हैं, इसमें आपको इस तरह से मिलेगा सेमी डिजिटल और एनालॉग, और इसमें भी आपको भैया मिलेगा डिजिटल और एनालॉग, लेकिन दोनों के फ़र्क हैं। RPM लिमिट यहाँ पर है, FI लाइट यहाँ पर आ जाती है, ठीक है, लेकिन इसमें ABS यहाँ जाता है, FI लाइट यहाँ चली जाती है, ये यह फ़र्क यहाँ पर आपको मिलेगा, देख लीजिए। बाकी इसके अंदर जो है ब्लू लाइट मिलती है, ये देखिए आप, ठीक है, जैसे इग्निशन ऑन करेंगे तो ब्लू लाइट इसके अंदर आपको मिलेगी। क्लॉक इसके अंदर भी नहीं है, ना ही क्लॉक इसके अंदर है। अब इसके अंदर अगर आप लाइट देखोगे तो इसके अंदर वार्म लाइट मिलेगी, पीली लाइट, साइड स्टैंड सर्विस, लो बैटरी, स्पीड, फ्यूल, ये सब कुछ आपको सेम टू सेम फीचर मिलेगा इसमें भी और उसमें भी, ये फ़र्क आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है, दोनों में रहेगा। आवाज़ देख रहे हो, एक नंबर का आवाज़ रहेगा। इसमें भी देखो स्विच में लाइट पूरा मिलेगा, हाई लो बीम पासिंग टर्न सिग्नल हॉर्न यहाँ पर भी आपको मिलेगा, और इस गाड़ी में भी आपको मिल जाएगा भाई हर एक चीज़, ठीक है, बस इसमें ABS आपको ज़्यादा मिलेगा। इसमें भी देखो हैंडल बार में लाइट, ये देखो हाई लो बीम पासिंग टर्न सिग्नल, सारी चीज़ें। बाकी हैंडल बार दोनों गाड़ियों का बिल्कुल सेम टू सेम दिया गया है, और फ्यूल टैंक पर पैड भी एकदम बिल्कुल अच्छा मिलेगा। आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप ये देखो कि उसका जो इंजन है यहाँ पर आप देख सकते हो, उसमें सादा इंजन है बजाज का, ठीक है, DTSI नहीं है, लेकिन इसके इंजन जो है वो देखो DTSI लिखा है यहाँ पर, देख लो आप यहाँ पर। फ्यूल इंजेक्शन इसमें भी मिलेगा और फ्यूल इंजेक्शन इसमें भी मिलेगा, आपको कार्बोरेटर वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा। 5 गियर उसमें भी है, 5 गियर इसमें भी है, बस खाली फ़र्क है। तो इसमें आपको सादा इंजन मिलेगा, गियर लीवर बड़ा वाला मिलेगा, साइड स्टैंड मेन स्टैंड का सारा ऑप्शन दिया गया है। ये रहा इसका इंजन और ये रहा इसका इंजन, इसमें आपको डबल स्पार्क प्लग है, एक इधर और एक उधर, ये देखो बजाज DTSI पावर, ठीक है, DTSI इंजन है। अब इस गाड़ी में सबसे बढ़िया चीज़ क्या है कि 125 cc अगर आप पल्सर खरीदते हैं तो इसमें आपको किक स्टार्टर भी मिलेगा, ये देखिए किक और सेल्फ दोनों स्टार्टर दिया गया इस गाड़ी में, लेकिन इसमें स्पार्क प्लग इधर नहीं रहेगा, और इसमें देखो उधर भी है वो देखो नीचे, और इसमें आपको स्पार्क प्लग सिंगल मिलेगा, बजाज का सादा इंजन। और इसका ब्रेक लीवर ये देखो काफ़ी लंबा चौड़ा अच्छा वाला मिल जाता है, और ये फिक्स रहेगा फुटरेस्ट, और इसमें ये मुड़ने वाला फुटरेस्ट है, और ब्रेक लीवर देखो इसमें मिनी वाला छोटा मिलेगा। साइड का पैनल इसमें इस तरह से है, और इसका साइड पैनल बॉडी कलर पर रहेगा, यानी कि प्योनो ब्लैक फिनिशिंग, यहाँ पर ग्रिल भी आपको मिलेगी। इसमें सिंगल सीट है और डबल सीट, दोनों ऑप्शन आपको मिल जाएगा, और उसमें भी आपको मिल जाएगा, ये टेंशन नहीं है। बाकी इसमें जो है ग्रेबरेल एक नंबर का मिलता है सिंगल सीट में, और उसमें स्प्लिट में आपको अलग अलग मिलेगा, इसमें भी आपको स्प्लिट लेंगे तो अलग अलग आ जाएगा। अब ये देखिए ग्राफिक्स, 125 का सबसे नया स्टिकर इस गाड़ी में आ गया है, ये देखिए न्यू ग्राफिक्स आपको मिलेंगे इस गाड़ी में। और इसका जो जोश साइलेंसर देख सकते हैं लोहे का, ये है, ये लोहा रहेगा इस कलर में, और इसमें भी आपको लोहा ही मिलेगा, ये देखिए लोहे का। और इसमें आपको नाइट्रोक्स वाले 5-स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन, इसमें भी नाइट्रोक्स वाले 5-स्टेप एडजस्टेबल, यानी साकर दोनों गाड़ियों का सेम है, साइलेंसर भी सेम है। अब फर्क कहाँ पर है दोनों में, देखिए इसमें आपको मिलेगा 230mm का डिस्क ब्रेक, ABS नहीं रहेगा, और इसमें आपको मिलेगा 130mm का ड्रम ब्रेक, और इसकी जो स्विंग आर्म है ये कैंची आप देख सकते हैं, जो चैन एडजस्टर ये चीज़ है ना जो आप देख रहे हैं, इसमें आपको नॉर्मल सा मिलेगा, थोड़ा छोटा रहेगा, और इसमें आपको हैवी मिलेगा, ये देखिए चैन एडजस्टर, ये कैंची देख रहे हो, स्विंग आर्म इसमें अलग लेवल का रहेगा, ये फ़र्क है। टायर का भी फ़र्क है, इसमें MRF का टायर है 120/80/17 का, और इसके अंदर जो टायर है वो है 190/17 का, थोड़ा सा पतला रहेगा 125 में, इसके अंडर कवर भी दिया गया है, ये देखिए 125 में, और 150 में ये नहीं रहेगा, ये देखिए, ठीक है, ये फ़र्क आपका मिल जाएगा। अब इसमें सारी गार्ड पूरी फुल कंप्लीट बंधी हुई है, इसमें अभी पूरी कंप्लीट नहीं बंधी है, इसमें आपको इस तरह से मिलेगा चैन कवर, आपको इसमें सिंगल मिलेगी। और इस गाड़ी की खासियत है भाई कि इसमें आपको लोहे का पूरा चैन कवर मिलेगा, ये देखिए पूरा फुल चैन कवर है इस गाड़ी में, तो इसकी चैन की लाइफ ज़्यादा रहेगी 125 की। बाकी साकर आप इधर भी दे सकते हैं, फुटर्स आप दे सकते हैं, इधर भी साइड पैनल आप दे सकते हैं, डुअल टोन के साथ आपको यहाँ पर सीट मिलती है, यहाँ पर लेदर, और ये 125 की ब्रांडिंग, इस तरह से पूरा गाड़ी दे सकते हैं, साइड का पैनल इधर भी, ये देखिए गियर लीवर, पूरा लुक गाड़ी का। अब पीछे का जो टेल लैंप्स है, टेल लाइट दोनों गाड़ियों का बिल्कुल LED वाला ही रहेगा, पीछे का फेंडर और रिफ्लेक्टर, नंबर प्लेट, ये सब आपका पूरा एकदम सेम टू सेम दिया गया भाई, ये देखो सब एकदम बढ़िया, ठीक है, एकदम वही वाला दिया गया, यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखो ये
ये आप चलिए बात करते हैं दोनों गाड़ियों का प्राइस कितना है, डाउन पेमेंट कितना है। सबसे पहले पल्सर 125 नियॉन 99,450 से 1,00,000 रुपए से कम है और इसकी 1,35,000 ऑन रोड प्राइस है, 1,35,000 ऑन रोड प्राइस है और इसका 99,450 रुपए। समझ लो कि 35,000 रुपए का फ़र्क है इन दोनों गाड़ियों में दोस्तों, 35,000 का फ़र्क है। तो फाइनेंस प्राइस की बात करें तो दोनों गाड़ियाँ 25-30,000 रुपये भर के आप आराम से ले सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। गाड़ी आपको मिलेगी सीएम बजाज कालियावाड़ी गिरिरोड नवसारी गुजरात में।